चलिए आज बात करते हैं कि शो इनू के बारे में, जो कुछ समय पहले काफी चर्चा में था, लेकिन समय के साथ कम्युनिटी के बीच में इसकी इंटरेस्ट काफी कम हो गई है। कम्युनिटी मेंबर्स अभी भी पुराने मीम कॉइन की बात करें तो शिबा इनू, बेबी डोज, कॉकी इनू की बात करेंगे, या नए मीम कॉइन की बात करें तो वीटा इनू, हिच क्वैक, वर्ल्ड इनू के बारे में मतलब बातें करते हैं। लेकिन आज भी किशु इनू की कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है और इस साल मार्च 2022 को दुबई एक्सपो में किशु इनू को अवार्ड भी मिला था, बेस्ट कम्युनिटी टोकन ऑफ 2022। आज इस वीडियो में हम किशु इनू का एनालिसिस करते हैं, इसके इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं, टोकोनॉमिक्स देखेंगे, टीम में कौन कौन है, कॉइन मार्केट कैप में इसकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं और ट्विटर में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ये भी देखते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो आपको आपका खुद का रिसर्च करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको किशु इनू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको आपका खुद का रिसर्च करने में भी हेल्प करेगा। और हाँ, अगर आपने ये कॉइन को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए चलते इनके व्हाइट पेपर में और देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि किशु इनू जो है ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड मीम प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब ट्रू पर्पस भी है। इसका मतलब ये केवल मीम प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें कुछ एड ऑन यूज केस भी है। ये अप्रैल 2021 को क्रिएट या लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च करने के टाइम पे मीम कॉइन की मतलब इतनी क्रेज थी क्रिप्टो कम्युनिटी के बीच में कि लॉन्च करने के एक महीने बाद किशु इनू ने हिस्ट्री बनाई थी। इसका टोटल मार्केट कैप $2 बिलियन मतलब सरपास कर गया था और इसके पास 1 लाख होल्डर से ज्यादा मतलब होल्डर थे जिन्होंने करके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा था। अगर इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका बेसिकली टोकन है जो कि मतलब इसके इकोसिस्टम में चलता है किशु टोकन। इनके पास स्वैप है इनके यूज केस में जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, किशु क्रेट है जो कि एनएफटी मार्केटप्लेस है, किशु पॉप प्रिंट है ये एक हिसाब से ऐप है, आप ये कह लीजिए वॉलेट है, और किशु स्वैग है जो कि एक मर्चेंडाइज स्टोर है। इन सभी के बारे में हम आगे चल के मतलब डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में वैल्यूज दिया हुआ है जहां पे इन्होंने अपने ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिटी के बारे में बताया। ट्रस्ट और लॉन्जेविटी मतलब लंबे समय के लिए कंप्लीट ट्रस्ट इस पे आप कर सकते हैं और काफी अच्छी मतलब ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद में आप देख सकते हैं किशु टोकन के बारे में इन्होंने बताया कि मतलब किशु टोकन जो है वो बेसिकली इसके इकोसिस्टम में चलने वाला जो टोकन है उसको किशु बोलेंगे। ये ERC इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन है। अप्रैल 17, 2021 इसको लॉन्च किया गया था। इसकी मैक्सिमम सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन है और ये इसका जो मतलब टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये सक्सेसफुली जो है मतलब सिक्योरिटी ऑडिट मतलब इसकी कंप्लीट हो गई है। किशु टोकन बेसिकली 2% मतलब रिवॉर्ड देने के काम आता है होल्डर्स के डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किशु टोकन को बाय करके अपने वॉलेट में रखा है, वॉलेट्स में आपने रखा हुआ है, तो आगे चल के कोई भी नए कम्युनिटी मेंबर्स आकर के बाई करते हैं या सेल करते हैं किशु टोकन को, तो उसमें से जो 2% रिवॉर्ड है वो आपको ऑटोमेटिकली आके मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में मतलब मिल जाएंगे। देखते हैं इनके इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले इनके इकोसिस्टम आप देख सकते हैं किशु स्वैप जो कि बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और जहां पे मतलब यूजर्स जो भी है मतलब वो ERC20 टोकन को मतलब स्वैप कर सकते हैं। ये यूनिस्वैप के थ्रू मतलब पावर किया गया है और बेसिक जो मेन यूज केस इसके इकोसिस्टम में है आज के डेट में वो है किशु स्वैप। उसके बाद में सेकंड इनके इकोसिस्टम में किशु क्रेट, ये एक ऑफिशियल किशु इनू के कम्युनिटी का NFT मार्केट प्लेस है। मतलब ये जो NFT मार्केट प्लेस है ये कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है। यहाँ पे आप किशु टोकन को मतलब स्टे कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में एक्सक्लूसिव NFT रिवॉर्ड्स जो है वो आपको मतलब मिल सकता है। नेक्स्ट इनके इकोसिस्टम में किशु पॉप प्रिंट करके ये एक ऐप है या आप ये कह लीजिए ये एक वॉलेट है जो कि मतलब यूजर्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है कि मतलब जो भी किशु टोकन उनको मिले हैं एज ए रिवॉर्ड्स या जो किशु टोकन उनके मतलब वॉलेट में है वो मतलब ट्रैक करने में हेल्प करता है। इसमें आप बेसिकली जो भी मतलब आपके टोटल बैलेंस पता चलेगा, करंट अगर आपके पास USD कुछ है वो आपको पता चलेगा, प्राइस चार्ट पता चलेगा और कई सारे एक्साइटिंग मतलब इसमें फीचर्स है वो मतलब आप इसमें किशु पॉप प्रिंट के थ्रू मतलब आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में किशु स्वैग करके जो कि एक बेसिकली मर्चेंडाइज आइटम का मतलब स्टोर है, मतलब एक बेसिकली मर्चेंडाइज आइटम स्टोर है जहां पे आपको मतलब किशु से कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो मतलब बिकते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के लिए ये मतलब ओपन इन्होंने नहीं किया इनकी इकोसिस्टम में। इसमें से जो भी पैसे मतलब जो भी मतलब रेवेन्यूज लोग अर्न करेंगे उसमें से वो जो किशु का जो प्रोजेक्ट है उसके ग्रोथ में, उसके मेंटेनेंस में और फ्यूचर को कैसे चार्ट आउट करना है उस हिसाब से मतलब वो पैसे यहाँ पे वो यूटिलाइज करेंगे। आगे इनके व्हाइट पेपर में रोड मैप दिया गया है जहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 का डिटेल्स है। फेज 1 इस लॉन्च, फेज 2 ग्रोथ, फेज 3 एक्सपेंशन और फेज 4 को यूटिलिटी कहा गया है। रोड मैप हम इनके वेबसाइट में देखेंगे जो कि मतलब अपडेटेड वन है। चलिए चलते हैं इनके वेबसाइट में। अभी इनके वेबसाइट में हम देखेंगे तो इनका वेबसाइट में इन्होंने स्टार्ट में लिखा है रिटेल मीम बिग ड्रीम, इसका मतलब छोटा मीम कॉइन है लेकिन इसके सपने जो मतलब काफी बड़े हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे मतलब कम्युनिटी मेंबर्स को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा। आप इसके एप्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं इनका कौन कौन सा ऐप है। किशु स्वैप है जो हमने देखा था, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, पॉप प्रिंट जो कि एक सबसे वॉलेट है और किशु क्रेट जो कि कम्युनिटी मेंबर्स के लिए NFT मार्केट प्लेस है। इसके साथ में इनका किशु वर्क्स भी करके एक ऐप बताया है। किशु वर्क्स भी अगर आप देखेंगे तो ये भी NFT का ही मतलब करेक्शन है, यहाँ से आप मिंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो किशु क्रेट और किशु वर्क्स में क्या फर्क है अगर दोनों NFT के लिए है, तो किशु क्रेट जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स मतलब अगर मैंने किशु इनू के कॉइन को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो वहां पे मैं जाकर के मतलब अपने टोकन को स्टे करके NFTs मतलब ले सकता हूँ। ये
इशू क्रिएट का जो ऐप है वहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए काम करेगा। इशू वर्स मतलब कोई भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट कोई भी आकर के अगर उसको मिंट करना मतलब कोई भी बंदा आकर के अगर बाय करना चाहता है इनका एनएफटी तो इशू वर्स के थ्रू मतलब बाय कर सकता है। तो आप इशू वर्स का ये देख सकते हैं इनका वेबसाइट यहाँ पे मिंट और रियलिटी ऐसा दो टाइप के मतलब इनके जो एनएफटी सेक्शन है वो मतलब दिखेंगे। और अगर आप इनके यूट्यूब में मतलब जाकर के देखेंगे तो यूट्यूब में आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनएफटी कौन कौन से इनके मतलब है। तो इन्होंने अपने एनएफटी को बायफर्केट किया हुआ है मतलब क्लासेस दिया हुआ है एक पर्टिकुलर कैटेगरी दिया गया है और उसी हिसाब से मतलब आप इनका एनएफटी जो है मतलब पूरा मतलब देख सकते हैं। अब टोकन डिटेल्स में देखते हैं तो इनका सर्टिक से सिक्योरिटी ऑडिट हुआ है और टेकरेट से मतलब इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप सर्टिक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इशू इनू को एज पर सर्टिक इनका जो स्काईनेट टेस्ट स्कोर है वो 93 है 100 में से मतलब काफी एक्सीलेंट है काफी अच्छा है। इसकी सिक्योरिटी स्कोर भी 93 है और इसका मार्केट एंड कम्युनिटी स्कोर जो है वो मतलब 91 है। अगर आप इसका टेकरेट में देखेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट इन्होंने कंप्लीट किया है उसी का डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दिया गया है और ये अप्रैल 2021 को उन्होंने मतलब किया था। इसके बाद में अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें वही जनरल दिया हुआ है वेबसाइट में वाई इशू तो इंस्टेंट यूसेज रिवॉर्ड जैसे मैंने आपको कहा था कि मतलब 2% इशू रिवॉर्ड्स आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में मिलेगा अगर कोई बाय सेल कर रहा है तो। सेकंड कम्युनिटी पावर्ड है जैसे मैंने कहा था कि किसकी कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में सिक्योर एंड सेफ है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट हुआ है जैसे हमने सर्टिक का देखा है स्मार्ट रेट का देखा है। उसके बाद में इनकी रिसेंट स्टोरीज के बारे में दिया गया मतलब जो भी कुछ इनके अचीवमेंट है वो दिया गया हाउ टू गेट इशू आप इशू कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ में देखेंगे तो आपको अगर इशू इनू बाय करना है तो बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां से आप बाय कर सकते हैं जैसे ये एमईएक्सी ग्लोबल बिकेक्स बिटमार्ट ओकेएक्स गेटआईओ ऑर्डबिट ओएनएक्स इन सब में मतलब रजिस्टर्ड है। गार्डियन वॉलेट में भी रजिस्टर्ड है और साथ में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मतलब यूनिस्वैप में भी ये मतलब रजिस्टर्ड है। आप यहां पे जाकर के मतलब इसको मतलब इशू को बाय कर सकते हैं। टोकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 2% यूसेज रिवॉर्ड है जैसे मैंने आपसे कहा था 100 क्वाड्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। इसके होल्डर्स और मार्केट कैप की बात हम फाइनेंशियल पैरामीटर कॉइन मार्केट कैप में जब जाएंगे तब करेंगे क्योंकि ये अभी मतलब फिलहाल थोड़ा चेंज हो गया। इसके बाद में इन्होंने इशू स्वैप का मतलब एक डिटेल्स दिया गया कि मतलब आप कैसे स्वैप कर सकते हैं इथेरियम से कौन से टोकन में। अब बात करते हैं इनकी लॉन्च पैड की जो हमने व्हाइट पेपर में देखा था लेकिन हमने बात किया नहीं था। तो इनका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है जो कि वो लॉन्च है। फेज 2 ग्रोथ उन्होंने नाम दिया था ये भी कंप्लीट हो गया। फेज 3 इनका एक्सपेंशन मोड था ये भी कंप्लीट हो गया। फेज 4 यूटिलिटी था जो कि मतलब कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे इन्होंने कई सारे मतलब इशू क्रिएट जो कि इनका एनएफटी मार्केट प्लेस है इशू पॉर जो कि वॉलेट ट्रैकर है और इशू स्वैप जो कि इनका मर्चेंडाइज स्टोर है इसको इन्होंने मतलब ये तीनों यूज केस को इन्होंने लॉन्च कर दिया था। कई सारे मतलब इनका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई थी। 50,000 टेलीग्राम मेंबर्स भी इन्होंने मतलब क्रॉस कर दिया था और 1 लाख होल्डर्स इनका ऑलरेडी हो चुका था। अभी फेज 5 जो कि इन्होंने प्रॉस्पेरिटी का इंटर्म दिया गया है और वो इन प्रोग्रेस में। तो यहाँ पे उन्होंने 5 लाख होल्डर्स का मतलब टारगेट रखा है। तो जो इनकी कम्युनिटी मेंबर्स है ये चाहते हैं कि मतलब 5 लाख क्रॉस कर दे और यहाँ पे वो चैरिटी फाउंडेशन भी मतलब पूरे तरीके से वो लॉन्च करना चाहते हैं और टायर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग भी करना चाहते हैं। सो ये डिटेल्स थी इनके मतलब वेबसाइट में इशू इनू को लेकर। चलिए चलते कॉइन मार्केट कैप में उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। अगर इसका हम सबसे पहले होल्डर्स की बात करें तो इसके पास टोटली 2,57,527 इसके मतलब होल्डर्स है। आप इस स्कैन में मतलब ओपन करके देख सकते हैं 2.5 लाख के ऊपर मतलब होल्डर्स है जिन्होंने बाय करके इशू इनू के को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अब देखते हैं इनका मतलब कॉइन मार्केट कैप में तो करंट प्राइस की बात करें तो जैसे कई मीम कॉइन में होता है इसमें भी एक फीचर है कि इसमें जीरोस और सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो टोटली अगर इसका आज के डेट में आप देखेंगे तो इसका प्राइस में 903841 है। इसकी रैंकिंग है 2808 और ये करीब 1,88,524 लोगों के वॉचेस में है। इसका मतलब 1,88,000 जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो इसको मतलब वॉचेस में रख करके उस पर नजर रखी हुई है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो काफी स्मॉल कैप कॉइन है। 37.18 मिलियन मतलब डॉलर इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई इसने 14 मई 2021 को बनाया था और ऑल टाइम हाई से ये अभी 98% डाउन है। इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 96.79 क्वाड्रिलियन है। इनके ट्विटर अकाउंट में देखेंगे तो ट्विटर अकाउंट में इनके टोटली 470K मतलब 470,000 फॉलोअर्स है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब 2.5 लाख के ऊपर 2,57,000 इनके होल्डर्स है 470,000 इनके ट्विटर फॉलोअर्स है। तो इसकी कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और यही रीजन था कि मतलब मार्च 2022 में दुबई एक्सपो में इसको कम्युनिटी अवार्ड मतलब मिला था। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके मतलब लिस्टिंग को लेकर कई सारे मतलब ट्वीट्स है और एनएफटीज को लेकर है। साथ ही इन्होंने एक इशू किंगडम के ऊपर अभी रिसेंटली ट्वीट किया था जो कि 28 सितंबर को उन्होंने किया था। इशू किंगडम क्या है मैं आपको बता दूं, ये इनका खुद का मेटावर्स प्रोजेक्ट है और इशू किंगडम में बेसिकली प्ले टू अर्न गेम से ट्रेडिंग कार्ड गेम है। तो जो कार्ड गेम अभी आपको पता है कि मतलब रिसेंटली शिबा इनू ने शिबा एटर्निटी गेम लॉन्च किया था जो कि मतलब एक ट्रेडिंग कार्ड गेम है, उसी हिसाब से इशू किंगडम में भी ट्रेडिंग कार्ड गेम है। तो उसको लेकर के इन्होंने ट्वीट किया है कि मतलब बीटा इज एज क्लोज एज इट गेट्स टू इट्स रिलीज डेट। इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत जल्द ही इनका जो प्ले टू अर्न गेम है ये लॉन्च कर सकते हैं इसका बीटा वर्जन। सो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी इनके ट्विटर अकाउंट में। अभी चलिए इनके वेबसाइट में वापस से चलते हैं और वहाँ पे एक चीज जो मैंने मिस किया था मतलब मैंने आपको वो टाइम बताया नहीं था वो अब उसको हमको मतलब कवर करते हैं। आप जब मेन पेज में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टेंसी के बारे में दिया गया है, टेंसी वेब। सो बेसिकली आप जब इसको क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन होता है और उसका नाम है टेंसी क्रिप्टो करेंसी।
करेंसी। तो जैसे हमने डिस्कस किया था किशु इनू के जो इकोसिस्टम में जो एक करेंसी चलता है वो है किशु टोकन, लेकिन इसके साथ में इसके इकोसिस्टम को रे करके एक और करेंसी है, एक और टोकन है जिसको हम कहते हैं टेंसी टोकन। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक गवर्नेंस टोकन है। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर जो भी बंदा इस टोकन को मतलब बाय करके अपने पास रखता है तो जो भी मतलब प्रोजेक्ट को रे करके जो भी मतलब वोटिंग है उसके ऊपर मतलब ये वोट कर सकता है और अपनी मतलब सजेशन दे सकता है, और साथ ही साथ चैरिटी वर्क को रे करके भी मतलब वो मतलब अपनी बातें सामने रख सकता है। सो ये बेसिकली एक गवर्नेंस टोकन है और साथ ही साथ ये एक साइड की भी है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी इशू के एंटायर इकोसिस्टम में जो जो कम्युनिटी मेंबर्स को मतलब रिटर्न मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे, तो उसमें टेंसी के भी मतलब टोकन हो सकते हैं। इसके टोकोनॉमिक्स की बात करें तो टोटली 8% इसके ट्रांजेक्शन टैक्स है, 2% रिवॉर्ड है। मतलब अगर मैं टेंसी के कॉइन को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ तो मेरे को जो भी आगे चल के ट्रांजेक्शन होगा कोई भी बाय सेल करेगा तो उसका 2% जो है मतलब उसको रिवॉर्ड में मिलेगा लेकिन इथेरियम के फॉर्म में, और बचे 6% में 3% जो है वो टेंसी के इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में काम आएगा और बचा 3% जो है वो किशू के मतलब इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने में काम आएगा। आप इसको कहां से बाय कर सकते हैं, आप इसको यूनिस्वैप या किशू स्वैप इससे मतलब बाय कर सकते हैं। इनका रोड मैप भी देख सकते हैं कि मतलब इनकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मतलब इसकी लिस्टिंग भी हुई है और कॉइन मार्केट कैप में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसका मतलब डिटेल्स मिल जाएगा। सो टेंसी के व्हाइट पेपर में आप आके देखेंगे तो बेसिकली जैसा मैंने कहा था ये गवर्नेंस टोकन है और इससे आप प्रोजेक्ट और चैरिटी के हिसाब से आप मतलब वोट कर सकते हैं, और अगर आपने इसको स्टे करके रखा है तो आपको मतलब रिवॉर्ड्स मिलेगा आइदर टेंसी या किशू इनू के फॉर्म में। लेकिन आपने इसको स्टेक नहीं किया है और आपने केवल होल्ड किया अपने पोर्टफोलियो में तो आपको मतलब इथेरियम के फॉर्म में 2% मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। ये ERC20 टोकन है और ये जुलाई 2021 में मतलब इसको लॉन्च किया गया था। सो दोस्तों ये थी कंप्लीट एनालिसिस किशू इनू के बारे में, जहां हमने इसके प्रोजेक्ट के बारे में जाना है और इसके इकोसिस्टम में क्या है वो भी हमने देखा है। साथ ही हमने ये भी देखा है कि इसके इकोसिस्टम में दो टोकन है, एक है किशू जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड इनके इकोसिस्टम है और एक है सपोर्टिंग जो कि है टेंसी जो कि गवर्नेंस टोकन के हिसाब से काम करता है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ऐसे ही क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।